अब सवाल यह है कि मौलाई है कौन? मौलाई है कौन? बड़ा नाजुक मसला है। मनमानी तफसीर करने से नहीं होगा। मेरा जुमला नोट करो, हर मौलाई सुन्नी है और हर सुन्नी मौलाई है। हर सुन्नी मौलाई है। मौलाई का मतलब क्या समझते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गदीर खुम के मौके पर, मन कुन तो मौला हो फअलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। तो बोलो रसूलुल्लाह हम सबके मौला है ना, तो हम सबके मौला मौला अली भी है, इसीलिए हम मौलाई हैं। डंके की चोट में कहता हूं कि हम मौलाई हैं, लेकिन फर्क समझ लो। मौलाई होने का मतलब यह है कि तुम सारे सहाबा की ताजीम करो, सहाबा की इज्जत करो, और अगर कोई शख्स किसी सहाबी की तौहीन करता है तो ना वो मौलाई है ना वो सुन्नी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे हैदरी। अब एक बात और सुन लो बहुत प्यार के साथ, तवज्जो के साथ। अगर अपने आप को इसलिए मौलाई कहते हो कि सहाबा की तौहीन करो, तो फिर ये मौलाई एक फिरका है, और अगर इसे तुमने फिरका बनाया तो तुम 72 फिरकों में चले जाओगे। याद रखना, मौलाई वही है जो तमाम सहाबा की ताजीम करे, जो सहाबा की ताजीम करे, और मौलाई है उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। अब वो फिरका नहीं है, वो अहले सुन्नत वल जमात में से है। अहले सुन्नत वल जमात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक माना अलैह वासाबी, जिस पर मैं हूं वो मेरे सहाबा। माना अलैह से क्या मुराद है नोट करो, माना अलैह से मुराद अहले सुन्नत है, और वासाबी से मुराद वल जमात है। तो अहले सुन्नत वल जमात ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही अहले सुन्नत वल जमात निजात याफ्ता है, इसी का हम दूसरा नाम रख देते हैं मसलके आला हजरत। लेकिन कान खोल करके सुन लो, किसी भी जलसे में तुम 50 बार मसलके आला हजरत का नारा लगाओ मरहबा, लेकिन साथ में एक मर्तबा अहले सुन्नत वल जमात का नारा जरूर लगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात, नारे तकबीर। क्योंकि मसलके आला हजरत हमारे बुजुर्गों ने कोई अलग से मसलक नहीं बनाया, ये मसलके अहले सुन्नत वल जमात का दूसरा नाम है मसलके आला हजरत। लिहाजा मसलके अहले सुन्नत भी लगाओ और मसलके आला हजरत भी लगाओ। अब अगर मसलके अहले सुन्नत में रहना चाहते हो तो यकीनन हर सुन्नी मसलके अहले सुन्नत का पाबंद है, और वो मौलाई है, इसलिए कि मौला अली को मौला मानता है और तमाम सहाबा की ताजीम करता है।